दोस्तों हम लोग अब नेक्स्ट प्रोग्राम देखेंगे कि हम लोग को क्या क्या आ सकता है। वो हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे कि प्रोग्राम में वैल्यू किस तरह से इंक्लूड किया जाता है, वो सिंगल इंटीजर में बताया है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि अगर फ्लॉट दे दिया तो और बोला दो फ्लॉट नंबर को ऐड कीजिए, जैसे आपका क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है कि दो फ्लॉट नंबर को हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे, इस तरह से अगर दिया हुआ क्वेश्चन आपका मान लो ये दिया हुआ है write a program, write a program in WAP, मतलब write a program in C++, C++2, read, read will extract the input place, read to flot values, values and some digits, वो सब वैल्यू को क्या कहना है आपको सम करना है, सम डिजिट वैल्यूज भी लिख सकता है वैल्यूज। ये अगर लिखा हुआ है तो आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले समझना होगा कि हम लोग को क्या क्या करना है। तो आप पहले दिमाग लगाओ, इसको दो तरीका से बना सकते हो इस प्रोग्राम में, आपको दोनों तरीका बताएंगे। देखो पहला क्या है कि बोला है दो फ्लॉट वैल्यूज, तो आपको पता है कि इसका मेमोरी बनाने के लिए जैसे उसमें बोला था इंटीजर वैल्यू तो इंट डेटा टाइप यूज किया, इसमें बोला फ्लॉट तो यही क्वेश्चन से ही पता चल गया कि कौन सा डेटा टाइप यूज होगा, फ्लॉट डेटा टाइप यूज होगा। कितना वैल्यू लेना है, दो वैल्यू लेना है तो दो वेरिएबल ले लेंगे, एक ए ले लेंगे एक बी, या फिर आपका चॉइस आप एक्स वाई भी ले सकते। ठीक है, लेकिन एक सम करने के लिए आपको एस चाहिए कि नहीं चाहिए, तो कितना वेरिएबल हो गया तीन वेरिएबल। ठीक है, अब तीन वेरिएबल डिसाइड हो गए, चौथा ये दूसरा काम हम लोग क्या करेंगे, दूसरा काम ये करेंगे हम लोग कि इसमें पहले जोड़ेंगे वेरिएबल को या डिस्प्ले करवाएंगे। तो पहले जोड़ना है उसके बाद डिस्प्ले करवाना है, मतलब इसका प्रोसेस है प्रोग्राम बनाने का कि पहले इनपुट कीजिए फिर प्रोसेस कीजिए फिर डिस्प्ले करवाइए। समझ में आया, ये तीन रूल फॉलो करना होगा, इनपुट उसके बाद प्रोसेस उसके बाद आउटपुट। ठीक है, तो इनपुट में सी यूज हो जाएगा, प्रोसेस में प्लस माइनस इनटू ये सब एडिशन सबट्रैक्शन होंगे, आउटपुट में आपका क्या सी आउट यूज हो जाएगा। तो ये सब लॉजिक है प्रोग्राम बनाने का, ये सब अगर आप समझ लेते हो तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलो अब हम लोग बनाते हैं। देखिए आपको हेडर फाइल को लिखना है, हेडर फाइल आपने लिख लिया has include io string dot, आपने ये लिखा। दूसरा हेडर फाइल has include conio dot, ये हेडर फाइल लिखने का तरीका। नेक्स्ट void main function, यहां तक तो सब जानते हैं, curly braces open ये भी आप जानते हैं, clear screen यूज करते हैं ये भी आप जानते हैं। अब यहाँ के बाद हम लोग को सोचना है, ये तो आपका कॉमन है सारे प्रोग्राम में लिखा जाता है। ठीक है, देखो पहले हम लोग को क्या लेना है, फ्लॉट, तो डेटा टाइप फ्लॉट होना चाहिए, मतलब पॉइंट वाला वैल्यू स्टोर करोगे तो डेटा टाइप क्या होगा फ्लॉट, फ्लॉट लिखिए। कितना वेरिएबल ले लेंगे, एक ए ले लेंगे एक बी, दो वैल्यू होगा इसे, ये दोनों में इनपुट करेंगे वैल्यू, और ये दोनों का जोड़ जो होगा जो एडिशन होगा वो किस में स्टोर कर देंगे, उसके लिए एक वेरिएबल चाहिए ना, तो क्या चाहिए एस, और क्या होगा मतलब दो बोला तो दो इनपुट करने के लिए एक सम करके स्टोर करने के लिए तीन वेरिएबल लेंगे। तीन के बाद पहले हम लोग जोड़ेंगे एस इक्वल टू ए प्लस बी लिखेंगे, या फिर पहले ए और बी में वैल्यू इनपुट करेंगे, ए और बी में वैल्यू इनपुट करेंगे। तो कैसे इनपुट करेंगे, सी ऑट इस तरह से लिखेंगे डबल कोट ऐसे ही ना लिखते हैं, इंटर इंटर टू फ्लॉट वैल्यू, कितना फ्लॉट वैल्यू एंटर करना है दो, और क्या दे देना है सेमीकोलन। ठीक है, नेक्स्ट सेम यूज होगा ना, सेम डबल ग्रेटर देन ए कॉमा बी लिखेंगे क्या, नहीं, जितना वेरिएबल होगा उतना बार डबल ग्रेटर देन देना होगा, जिसको हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कहते हैं। इसको कौन सा ऑपरेटर बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। देखो ए लिख लिए, अब अगला क्या हो जाएगा बी, और लास्ट में सेमीकोलन। अब बोलोगे सर एस में नहीं लिखे, एस यहाँ नहीं लिखे, इसलिए नहीं लिखे क्योंकि एस में वैल्यू डालना नहीं,
ये दोनों का जोड़ होगा वो s का वैल्यू अपने आप मिल जाएगा। समझ में आया? ये हो गया नेक्स्ट। अब हम लोग को जोड़ना है तो s इक्वल टू क्या हो गया a प्लस b, दोनों को जोड़ दिए किस में स्टोर है s में। अब हम लोग s को क्या करेंगे डिस्प्ले, आप चाहते हो a का वैल्यू डिस्प्ले करना तो करवा सकते हैं, वैल्यू ऑफ a इक्वल टू डबल कोट, ये लिखेंगे या नहीं, वैल्यू ऑफ a इक्वल टू उस लास्ट वाले लेक्चर में भी लिखे डबल लेस देन, यहां a को डबल कोट में लिखेंगे या बिना डबल कोट, बिना डबल कोट क्योंकि a का वैल्यू चाहिए। समझ में आ रहा? नेक्स्ट क्या लिखेंगे, c ऑफ डबल लेस देन डबल कोट बैक स्लैश n, वैल्यू ऑफ b इक्वल टू सेम तरीका, देखो सेम लिख रहे हैं, एक अगर एक आप दिमाग में बैठा लिए तो दूसरा अपने आप लिख लो v इक्वल टू डबल लेस देन b, ये हम लोग लिखते हैं सेमीकोलन। नेक्स्ट c और सम को डिस्प्ले करवाएंगे तो सम इक्वल टू किस में स्टोर है s में, तो s s में है ना, तो s और लास्ट में क्या लिखेंगे ये ch और ये। अब इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन को आप समझो, मान लो कि इसका आउटपुट अगर पूछा जाए तो क्या आएगा आपको, ये आउटपुट समझिएगा, ये आपका कंप्यूटर स्क्रीन है जहां पे आउटपुट आपका शो हो रहा है, ठीक है, आउटपुट को समझिएगा। देखो आपका प्रोग्राम यहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, स्टार्ट हुआ पहले क्या मिला क्लियर स्क्रीन, मेन फंक्शन से ना स्टार्ट होता है, ठीक है, तो क्लियर स्क्रीन, क्लियर स्क्रीन का काम क्या है कि आपके स्क्रीन पे अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसको वो क्या कर देगा क्लियर कर देगा, मतलब स्क्रीन आपका फ्रेश हो गया। फ्रेश के बाद क्या मिला प्लॉट, ये प्लॉट जो है ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रिंट नहीं करेगा, ये प्लॉट का काम है ये सब वेरिएबल के लिए मेमोरी बनाना जो आप नाम दिए, तो देखो एक ए के लिए मेमोरी बनी कंप्यूटर के अंदर, ये कंप्यूटर के अंदर काम होगा जो इंटरनल प्रोसेस है वो बता रहा है, ठीक है, एक आपका बी के लिए अलग मेमोरी बनेगा, ठीक है, और एस के लिए अलग मेमोरी बनेगा, कितने बाइट्स का बनेगा ये मेमोरी का साइज होगा कुछ ना कुछ, तो कितने बाइट्स का बनेगा 4 bytes, 4 bytes क्यों बनेगा क्योंकि फ्लॉट का साइज कितना बाइट्स होता है 4 bytes, डेटा टाइप में पढ़ाए हैं इस तरह से आप समझोगे तो आपको साइज भी याद हो जाएगा, याद नहीं करना पड़ेगा 4 bytes, और s का भी क्या बनेगा 4 bytes, तीनों का अलग अलग मेमोरी बनेगा, ठीक है। बनने के बाद ये सब में कुछ वैल्यू रहेगा क्या, नहीं, अभी हम लोग वैल्यू इसमें डाले ही नहीं, समझ में आया, अब यहाँ तक आपका काम हो चुका है, हो चुका है, होने के बाद आपका ये वाला लाइन हो जाएगा, ये सीओट में लिखा हुआ है कि नहीं, सीओट में लिखा हुआ है तो आपको पता है कि जो सीओट में लिखा हुआ रहता है वो कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या करता है डिस्प्ले करता है, तो ये जो आप लाइन लिखे हो पूरा ये आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा, क्या डिस्प्ले करेगा, ये डिस्प्ले करेगा इंटर जो आप लिखे हो वही इंटर टू TWO टू फ्लॉट वैल्यूज, वैल्यूज लिखे हैं तो वैल्यूज, ये आपका प्रिंट कर दिया कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये लाइन कंप्लीट सेमीकोलन से क्लोज हो गया मतलब खत्म हो गया लाइन। अब आ जाओ सीन, जैसे सीन काम करेगा आपका कर्सर यहाँ पे पॉइंट करने लगेगा, क्यों, वैल्यू डालने के लिए, क्या वैल्यू को इंटर कीजिए, सेम जैसे प्रोसेस बता रहे वैसे ही प्रोसेस कंप्यूटर में होगा, वैल्यू इंटर कीजिए, तो आपने डाला 2.4, क्या इंटर किया 2.4, तो देखो सीन क्या करेगा जो आप 2.4 डाले हो पहला वेरिएबल अगर a मिलेगा तो इस वैल्यू को a वाले मेमोरी में रख देगा स्टोर कर देगा, तो क्या आ गया a वाले मेमोरी में 2.4 चला आया। आने के बाद या पहला वैल्यू निकाल रहे हो दूसरा वैल्यू डालने के लिए इंटर बटन प्रेस करना होगा कंप्यूटर में, क्या प्रेस करना होगा इंटर होता है बटन, वो प्रेस करोगे तो आपका कर्सर नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, नीचे आने के बाद फिर ये पॉइंट करने लगेगा, क्यों, वैल्यू डालने के लिए क्योंकि आपने दूसरा वैल्यू नहीं डाला, तो मान लो आपने इंटर किया 3.2, क्या इंटर किया 3.2, तो 3.2 आपका दूसरा वेरिएबल में चला जाएगा जिसका नाम क्या है b, तो b वाले मेमोरी में इस वैल्यू को स्टोर कर देगा 3.2
स्टोर होने के बाद आपका अभी प्रोग्राम यहीं पे है, आपको फिर से इंटर बटन प्रेस करना होगा, इंटर दबाना होगा। जैसे इंटर दबाओगे आपका नीचे आएगा, नीचे वाला रन करेगा। तो नीचे वाला जब रन करेगा तो ए की जगह ए वाला वैल्यू पुट हो जाएगा, बी की जगह बी वाला वैल्यू, क्योंकि हम लोग ए और बी का वैल्यू डाल चुके हैं। तो आपके माइंड में क्वेश्चन ये आ रहा है, सर हम लोग यही वैल्यू सिर्फ डाल सकते हैं? ऐसा नहीं, आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो, पॉइंट वाला वैल्यू होना चाहिए। समझ में आ रहा है? वैल्यू आप कुछ भी डाल सकते हो, वैल्यू आपका पॉइंट वाला होना चाहिए। तो आपने वैल्यू इंटर किया, ठीक है, 2.4 और 3.2 ये आपने इंटर कर दिया। तो ये जो ए के ए का वैल्यू है वो ए के प्लेस पे पुट हो जाएगा और बी वाले वैल्यू आपके बी के प्लेस पे पुट हो जाएगा। तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली यहां पे आगे पुट हो जाएगा, जो आपको दिखेगा नहीं, ये कंप्यूटर का इंटरनल प्रोसेस होगा। तो अब ये दोनों को ऐड कर देंगे, मींस 2.4 ए के प्लेस पे पुट हो गया और 3.2 बी के प्लेस पे पुट हो गया। अब ये दोनों नंबर ऐड हो जाएगा। तो जब दोनों को ऐड करोगे आप तो 4 और 2 क्या हो गया, 6, मींस इसका जो रिजल्ट आएगा 6.5। ये जो रिजल्ट आपका आ रहा है ये वैल्यू एस में स्टोर हो जाएगा। किस में वैल्यू स्टोर हो जाएगा? एस में। तो एस में जो ये वैल्यू स्टोर हो जाएगा मींस ये वैल्यू आपका चला जाएगा एस वाले मेमोरी में, मींस यहां पे क्या स्टोर हो गया आपका 5.6 ये वैल्यू स्टोर हो जाएगा। स्टोर होने के बाद ये लाइन आपका पूरा एग्जीक्यूट कर चुका है, मींस रन कर चुका है। अब आपका नीचे वाला लाइन एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा तो आपको पता है कि सीओट के अंदर जो भी मैसेज लिखा हुआ रहता है वो कंप्यूटर स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है। तो ये जो मैसेज है आपका ये कंप्यूटर स्क्रीन पे चला जाएगा। मींस देखो आप यहां से जब रन करवाओगे तो क्या मिला, बैक स्लैश ए का काम क्या है, लाइन को चेंज करना। तो ये लाइन को बदल देगा जो आपका कर्सर नीचे है, और यहां से लेकर के यहां तक आप जो लिखे हो वही आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रिंट करेगा। तो प्रिंट क्या करेगा, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू क्या प्रिंट कर देगा, क्या हो जाएगा, क्या है ए का वैल्यू 2.4, ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। प्रिंट करने के बाद आपका नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करेगा तो फिर से बैक स्लैश एन, तो आपका कर्सर जो यहाँ पे था वो नीचे वाले लाइन में आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि बैक स्लैश का क्या काम है, लाइन को चेंज करना, तो लाइन को जब आप चेंज कर रहे हो उसके बाद आपका ये मैसेज प्रिंट कर देगा वैल्यू ऑफ क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.2, क्या हो गया 3.2, या आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रिंट कर देंगे। नेक्स्ट ये वाला लाइन बैक स्लैश है, लाइन चेंज, सम इक्वल टू किसको प्रिंट करवा रहे, एस को, तो एस वाला वैल्यू प्रिंट करेगा तो क्या आ जाएगा 5.6, ठीक है। उसके बाद ये लाइन रन करने के बाद क्या मिला, गेट सीएच इसको होल्ड कर देगा कंप्यूटर स्क्रीन पे, जो आपका आउटपुट आया वो आउटपुट क्या हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा, कहां पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे। समझ में आया, ये हम लोग का लॉजिक है, बनाने का तरीका है। इसको आप बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर अगर हम लोग एस में नहीं स्टोर करें तो क्या होगा, तो कोई बात नहीं, ये एक्स्ट्रा मेमोरी आप यूज कर रहे हो, आप चाहते हो कि एस हम लोग ना लें दो ही लें तो आप ले सकते हो, कोई बात नहीं। इसको आप यहाँ पे नहीं करो, आप डायरेक्ट यहाँ पे ऐड करो क्या ए प्लस बी, ऐसे भी आप कर सकते हो, दो तरीका को बनाने का। तो ये सिस्टम है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने का, ठीक है। तो आपको इसमें समझना होगा कि जब भी हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे सेकेंड वेरिएबल सेकेंड प्रोग्राम से हम लोग का यही माइंड में आ रहा है इसका, कि हम लोग जब भी प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करें तो आप तो सबसे पहले हेडर फाइल लिख लेते हो, वॉइड मेन लिखते हो, क्लियर स्क्रीन लिखते हो, उसके बाद अगला प्रोसेस हमेशा वेरिएबल आपको बनाना है, वेरिएबल डिक्लेयर करना है, जो हम लोग ये बना रहे हैं ये काम करना ही करना है। सेकेंड प्रोसेस आपको इनपुट करना ही करना है, ये वाला काम आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप आपको एडिशन सबट्रैक्शन जो भी काम है वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट स्टेप आपको डिस्प्ले करवाना ही होगा और अगला गेट सेज ये होल्ड करेगा। तो देखो तो यहां से लेकर के यहां तक ये कॉमन
और ये कॉमन, बाकी इसी में ना चेंज होता है। तो चेंज होता है वो तो बता दी, पहले आप वेरिएबल बनाइए, फिर इनपुट कीजिए, फिर आप प्रोसेस कीजिए, प्रोसेस मतलब जोड़िए घटाइए जो करना है कीजिए, फिर आप क्या कीजिए डिस्प्ले करवाइए। तो डिस्प्ले करवाने के लिए सी और का ही चाहिए, ये तो सिस्टम है, इसका तरीका है बनाने। तो प्रोग्राम बनाना बहुत ही आसान है, समझ में आया? ठीक है, ये आपको मिल जाएगा नोट्स में, या फिर आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।